ये है मीवी का डुओपॉड M20। गाइस ये एक ट्रूली वायरलेस ईयरफोन है और जिसका प्राइस 999 है। फ्लिपकार्ट पे आपको ये कभी कभार ऑफर पे मिल जाएगा, पर ऐसे रेगुलर प्राइस इसका 1999 है। तो इसका मैं आज एक क्विक अनबॉक्स करने वाला हूँ और एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ आपको। इसे मैंने एक वीक तक लगातार यूज करा और अब मैं बताऊंगा आपको कि आखिर ये प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं नंदन, छोटे से वर्ल्ड एडवर्ड में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इस बॉक्स में आपको एक मीवी का एक शानदार सा लोगो देखने को मिल जाता है। इसके राइट साइड में पुश द लिमिट्स लिखा गया है और कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे कहाँ पे बना है। और इसके पीछे साइड में आपको यहाँ पे इसका कुछ फंक्शंस वगैरह दिख जाता है। हालांकि इसमें सारा फंक्शंस लिखा नहीं गया है, कुछ लिखा गया है कि कितना एक साल वारंटी है, स्वेट प्रूफ है, सॉलिड बेस है, वन टच के साथ ये आता है। एक टच कीजिएगा तो आपका फ़ोन पिकअप हो जाएगा, आप सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। पैसिव नॉइस कैंसलेशन है और HD साउंड है और 20 आवर तक का बैटरी है। तो सब कुछ मैं देखूंगा इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए मैं इसे जल्दी से एक अनबॉक्स करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको कि आखिर इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है। सो चलिए इस ट्रूली वायरलेस ईयरफोन को अब अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं आखिर इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या मिलता है। सो गाइस, इस बॉक्स को ओपन करने के बाद मुझे और एक बॉक्स देखने को मिल रहा है जिसके अंदर एक वारंटी कार्ड है। और इस वारंटी कार्ड में लिखा गया है कि आपका जो वारंटी है वो एक साल का वारंटी है, आप रजिस्ट्रेशन करें फिर आप क्लेम करें। सो गाइस, इसमें एक मैनुअल बुक देखने को मिल जाता है जिसमें सारा इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है। और एक्सेसरीज़ की मैं बात करूँ तो इसमें आपको एक अच्छा खासा चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी मुझे अच्छी ही लगी, नॉट बैड। और अब ईयरबड्स की मैं बात करूँ तो ईयरबड्स एक सॉफ्ट ईयरबड्स है, अच्छा ईयरबड्स है, कानों में चुभता भी नहीं है। और रहा बात अब मेरा डुओपॉड्स का, तो ये डुओपॉड्स ब्लैक कलर में है और ये शानदार है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये कैसा है। सो ये डुओपॉड्स, ये डुओपॉड्स बहुत ही लाइट वेट है और मतलब कानों में अगर आप पहनिएगा तो लगेगा नहीं कि उतना वेट है। और आप अगर इसे आप रनिंग में पहनते हैं तो रनिंग में हल्का फुल्का रनिंग के लिए ये सही है, पर आप अगर ज़्यादा रनिंग करेंगे तो ये खुल के गिर सकता है। पर ये कानों में बहुत ही अच्छे से फिट आता है और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं लगती है, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। सो दोस्तों, ये है इसका कैप्सूल और ये कैप्सूल का क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, बस एक प्लास्टिक बॉडी है, अच्छा खासा है। हालांकि एक वीक में बहुत बार मेरे हाथों से गिर चुका है तो थोड़ा बहुत स्क्रैच लग चुका है इसमें, पर ये ठोस है, इसका स्ट्रेंथ अच्छा है जो कि गिरा है पर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसमें आपको ये जो क्लोज होता है ये भी मैग्नेट है और यहाँ पर भी आपको जब आप इसे रखते हैं तो भी यहाँ पर मैग्नेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप इसे रखते ही ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चार्ज हो जाता है। मैं बात करता हूँ इसके चार्जिंग कैपेसिटी की, तो चार्जिंग में अगर आप इसे एक बार अगर सिंगल बॉक्स से आप अगर आप इसे निकाल लेते हैं दोनों ईयरफोन को तो ये 6 घंटे तक बैकअप दे सकता है। ये 6 घंटे के बैकअप देने के बाद अगर आप इसे अगेन रख देते हैं तो अगेन 6 घंटे तक का बैकअप देखने को मिल जाता है। ये 3 टाइम्स चार्ज हो सकता है, ये आपको देखा जाए तो टोटल राउंड फिगर में 20 आवर्स का चार्ज देता है। और हाँ, ये चार्जिंग के मामले में 10 out of 10 है। मैंने इसे यूज करा और चार्जिंग का कैपेसिटी भी यार वाव, मैं बहुत ही सेटिस्फेक्शन हूँ इसके चार्जिंग की कैपेसिटी से। सो इस बॉक्स को चार्ज करना पड़ता है आपको, अगर इसमें चार्ज ख़त्म हो जाता है तो इसमें आपको चार्ज करना पड़ता है। इसकी चार्जिंग पॉइंट यहाँ दी गई है पीछे में जिसकी मदद से आप चार्ज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ उसकी ब्लूटूथ क्वालिटी की, तो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर इसे पेयर्ड कर लेते हैं देन अगेन अगर आप इसे जस्ट बॉक्स से आउट करते हैं तो ये आपका पेयर्ड हो जाता है, बहुत ही जल्दी पेयर्ड होता है। ये ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है इसलिए इसका पैड की कैपेसिटी बहुत ही शानदार है। और 20 फीट तक ये रेंज है और इसका रेंज भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने इसे अलग अलग एक रूम से दूसरे रूम तक में जा करके इसे मैंने ईयरफोन को ट्राई करा और इसका रेंज भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इसका साउंड क्वालिटी है, तो चलिए साउंड क्वालिटी की मैं बात करता हूँ। तो साउंड क्वालिटी में गाइस मैं इसे 7 out of 10 देना चाहूँगा क्योंकि साउंड के मामले में बेस वगैरह और ट्रिबल वगैरह सब मीडियम है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा वाव नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, मिडिल में है। इस रेंज में ये प्रोडक्ट का प्राइस देना मीन्स टोटली वाव।
कहना नहीं पड़ेगा। अगर आप 999 रुपीज़ देते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है, पर आप 1999 देते हैं तो आपको थोड़ा साउंड का क्वालिटी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उतने ज़्यादा प्राइस में ये प्रोडक्ट को लेना अच्छा नहीं रहेगा, इतना अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं देता है। हाँ, हालांकि नॉइस कैंसलेशन वगैरह बहुत ही अच्छा है, अगर आप कोई भी नॉइस वगैरह एरिया में है अगर आप इसे पहनते हैं तो आपको सराउंडिंग का साउंड कुछ सुनाई नहीं देने वाला है। और अब मैं बात करता हूँ इसके माइक्रोफोन की, मीन्स मैंने इसे फ़ोन करते वक्त इसे बहुत बार यूज करा, तो हालांकि बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे ज़रा ज़ोर से बात करना पड़ता था क्योंकि इसका माइक मेरे कानों तक है तो थोड़ा आवाज़ यहाँ तक रीच नहीं कर पाता है, सो आपको थोड़ा लाउडली बोलना पड़ेगा, सो माइक में हल्का फुल्का आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि नॉइज़ वगैरह एरिया में तो कुछ सुनाई नहीं देता है सामने वाले को, तो उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, अगर आप कॉलिंग के लिए लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, पर घर के लिए ये सही है। इसका टोटल 4 कलर के साथ आता है, ये रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। सो अभी मेरे पास एक ब्लू कलर भी है जो कि बहुत ही स्टाइलिश लग रही है, ये दोनों ही कलर बहुत ही शानदार है अपने अपने जगह पे, ये एक स्टाइलिश लुक देता है और ये एक प्रीमियम लुक देता है। ये डुओ पॉड्स वाटर रेजिस्टेंट है और इसे मैंने बहुत ही टफ सिचुएशन में टेस्ट करा और ये खड़ा उतर पाया, इसका बॉक्स कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ना ही इसके डुओ पॉड्स में कोई प्रॉब्लम हुई। ये वाटर रेजिस्टेंस है और बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली काम करता है वाटर रेजिस्टेंस होने के बावजूद। सो अब बात करते हैं इसके सारे फंक्शंस की, तो इसमें अगर वन टैप करते हैं तो आप गाने को पॉज कर सकते हैं या फिर अगेन टैप कर सकते हैं तो प्ले भी हो सकता है, तो ये आप चाहे लेफ्ट साइड से या फिर आप राइट साइड से भी प्ले कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप डबल टैप करते हैं लेफ्ट साइड तो ये गाना जो है वो पहले हो जाएगा, जो पहले वाला गाना था वो हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, और जो नेक्स्ट सॉन्ग है अगर आपको उसको राइट साइड डबल टैप कीजिएगा तो वो नेक्स्ट हो जाएगा। एंड कोई भी अगर आप लेफ्ट या राइट साइड में अगर आप 3 टैप करते हैं तो वो वॉइस कमांड स्टार्ट हो जाएगा जिसकी मदद से आप गूगल को कमांड दे सकते हैं। सो अब मैं बताता हूँ कि आखिर मुझे 1 वीक तक लगातार यूज करने के बाद ये प्रोडक्ट कैसा लगा। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे कानों पे ये लगा रहता था और मैं भूल जाता था कि ये मेरे कान पे लगा हुआ भी है, ऐसा एडजस्ट हो जाता था कि कई बार मुझे खोजना पड़ जाता था तो पता चलता था कि ये ईयरफोन तो मेरे कानों में ही है, तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है आपको। और आप इतना छोटा ये ईयरफोन है ना कि आपको कहीं वगैरह आप इधर उधर कहीं रख दें तो आप भूल सकते हैं इजीली, खोने का बहुत ज़्यादा ही डर है इस ईयरफोन को, अगर आप इसका केयर नहीं करें तो ये खो सकता है और आपका पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो सकता है। और साउंड क्वालिटी की बात करूँ, मैं जहाँ तक मैंने यूज़ करा लगातार 1 वीक तक, तो मुझे ये मीन्स यूट्यूब वगैरह मूवी वगैरह ये सब के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टाइम गाना सुनना चाहते हैं तो आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कुछ गाने बहुत ही अच्छा प्ले होता है पर कुछ गानों में ये कुछ उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। और रहा बात बैटरी बैकअप का, तो यार क्या बताऊँ, बैटरी बैकअप में ये मुझे मीन्स 100% सेटिस्फेक्शन दे चुका है। इतना अच्छा बैटरी बैकअप है कि मैं इसे लगातार 1 या 2 दिन के बाद ही मैं इसे चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा ही यूज करता हूँ, इसलिए 1 से 2 दिन के बाद ही मैं इसे चार्ज करता हूँ। रहा बात इसके चार्जिंग स्पीड को, तो लगभग 1 घंटा लगता है, 1 से 1.5 घंटा लगता है इसे फुल चार्ज होने में इस कैप्सूल को, और उसके बाद तो बैटरी बैकअप का तो कहना नहीं पड़ेगा, 20 घंटे का ये बैकअप तो यार वाओ। सो 999 रुपीज़ में ये काफ़ी सही प्रोडक्ट है, इसे ले लेना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, अगर 999 में मिल जाए तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। सो उम्मीद है आपको ये रिव्यू आपको पसंद आया हो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें और इस वीडियो को एक ज़ोरदार लाइक दे दें। कोई भी क्वारी हो, कुछ पूछना हो या फिर कुछ बताना हो तो मैं आपको मिलूँगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।